अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला की रहमत करम शुक्र और फजल के साथ जी आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो मैं सुबह सवेरे घर से निकला, मुख्तार भाई का वेट कर रहा था, मुख्तार भाई नहीं आए और मैं पहुंच चुका हूँ आरो वैली में। एंड आरो वैली पहुंचते पहुंचते ना यार, इसमें रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना कि पूछो ही मत यार। 2 घंटे मुझे लगे पहलगाम से आरो वैली तक पहुँचने में और मैंने शेयरिंग कैब बुक की थी और उसी से आए। तो चलिए अभी मैं आरो वैली में पहुंच चुका हूं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हाँ, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलिए देखें जी, ये है आरो वैली एंड मुझे गाड़ी ने वहाँ नीचे ड्रॉप किया था। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं गाड़ी से ड्रॉप हुआ हूँ और यहाँ से एक रास्ता आता है बिल्कुल ऊपर स्टैंड के बाद, और ये उस साइड से जो नज़ारे हैं वो ले सकते हैं। इसके पीछे ना हमारी बरादरी के बहुत सारे लोग रहते हैं, गुजर फैमिली से जो बिलोंग करते हैं एंड उनके घर यहाँ पे बने हुए हैं। एंड बजरंगी भाईजान मूवी की शूटिंग भी यहीं पे हुई थी और उसके बाद कर्मा मूवी जिसे कहते हैं वो भी यहीं पर शूट हुई थी। और घास देखें कितना ज़्यादा है यहाँ पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट भी कर दें। ये देखें यहाँ पे जिप लाइन है, बंजी जंपिंग है, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। एंड यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी है, मे बी अगर स्टार्ट होगी थोड़ा टाइम के बाद तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ये देखें जी, आरो वैली ना बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत। पहलगाम से आप शेयरिंग कार से भी आ सकते हो या कैब भी बुक कर सकते हो यहाँ तक पहुँचने के लिए, या अगर अपनी गाड़ी है तो उससे भी आ सकते हो। ये देखें अभी मेरा ना मन कर रहा है कि कहीं साइड में जाके बैठें, और मैं कुछ खाने के लिए लाया था, बनानास एंड ऐसे कुछ ड्रिंक में भी लाया था, वो पीना था। और हम ना यहाँ से ऊपर को जाएंगे इंशाल्लाह और वहाँ से राइट की तरफ जाके नीचे उतरेंगे और दोबारा गाड़ी को भी पकड़ना है। टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है, 4:04 हो चुके हैं और हमें वहाँ से नीचे भी जाना है और वहाँ से गाड़ी को भी पकड़ना है। देखिए ये वाला जो घास आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ के लोगों ने, लोकल्स ने काटा हुआ है अपने मवेशियों के लिए है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इस घास को अगर काटते रहेंगे ना तो इससे ये मेंटेन रहेगा, वरना अगर यही घास इसमें भूसा बन के नीचे गिर जाएगा ना ऐसे, तो अगले साल इसमें अलग एक प्रजाति का घास आएगा। ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि घास काटने के लिए आए हैं शायद। मैं भी कहाँ का पे कहाँ मस्त है, मैसा मस्त है जे चोखना मस्त अरे कि इस साइड में ना उसरा कितनी है, उसरा मतलब एकदम इत भरे आम ही ना, ना सियाल कितनी सियाल लेंदा जी, लेंदा जी केड़ा नाड़ मरे टकिनाड़, टकिनाड़ चलो बेहतर है। तुम कितने अमित तेरा कश्मीर है, कुलसुमा थारो मेरे नाम जमी इनगो स्कूल पढ़ी इत थारा मोबाइल स्कूल लगा वहीं जनी सीजनली कोई टीचर नहीं पढ़ाना तो पढ़ावे ना पढ़ावे टेंट है उस ना दी तो इस साल लाए भी है टेंट। अच्छा किड़ी क्लास में पढ़ी सेकंड थर्ड दे कुलसम फोर्थ चलो बेहतर है। वाले साहब और के काम करे थारा बाप इन जड़ा पे के काम करे तुम बेड़ पाई आपस में या मेरे मामा ही जदरी या मेरे चाचा। अच्छा तुम दो पते नहीं दे, तुम दो मामले पे फेरी आई। चलो जी ठीक है ठीक है ठीक है, तो सारा लेन दे जी रही। अच्छा तुम दो मतलब के लेन दे जी रे वशकपुरा रे ये कुछ ट्राइबल कम्युनिटी के, हमारी अपनी कम्युनिटी के बच्चे थे। देखिए कितना खुश हो रहे हैं, ये घास काटने के लिए जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं एंड देखते हैं जी क्या रहेगा सीन। ये देखें अरे मेरा ना मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, मैं सोच रहा था कि मैं इस साइड को जाऊं
लेकिन वो शायद बंद है, उसमें घास, पिछले साल जब हम गए थे ना वीडियो बनाने की गरज से, तो वहाँ पे घास बहुत ज़्यादा था। तो मेरे को लगता है कि हम यहाँ से जाएंगे वापस और बता रहे। बोलना रे, आगा आगा यहाँ आगा ना, या चा जेड़ा ने बढ़ाई ना वो तेरे को लगा दादो दादो बोल रहा है कि जिसने चाय बनाई मेरे दादाजी हैं। अभी एक चाय का कप मिला मेरा ना फ्रेंड के यहाँ पे, मुझे भी मिल गया था, हमें बताया नहीं कि इनको ना चाय दे दें, मैं पैसा खुद दूंगा। चलिए कोई ना कहीं तो कुछ ना कुछ मिल रहा है, दिस अ गुड थिंग फॉर मी। अंकल जी ना बहुत अच्छे स्वभाव के थे, मुझे इन्होंने चाय पिलाई और मेरे से पैसे भी नहीं लिए। आखिरकार ना मैंने इनसे अपना वो लिंक कनेक्शन जो था ना वो निकाल ही लिया। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखें, यहाँ से मैंने अभी इस साइड को टर्न किया है, देखें बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे एंड पीछे भी आ रहे हैं। और वो मेरे से कह रहे थे कि यहाँ से आप जाइएगा और यही रास्ता जाता है, आप पूरा मार्केट में पहुँच जाएंगे। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि वापस ही जाने की यहाँ से, इवन गाड़ी मिलनी चाहिए मुझे, बस यही एक पंगा है। और देखें क्या कब तक हम पहुँच पाते हैं। ये ए इसको क्या ना, इस बच्ची को यसा, यास्मीना, उसको रहेला के खींगा। तेरा ना किससे ना नहीं आता है, सारा ना नहीं आता, थोड़ा बिस्कुट लोटिए, बिस्कुट नहीं मेरे को केला खींगा, केला खींगा दियो। तो क्या की तेरे ना राहिला, तेरे ना यास्मीना, तेरे ना पे दया को वो छड़ो थी नहीं दियूंगा, तो मैंने मुझ सोनी लागी मुझ ना मुझ सोनी लागी बा खुदा। योगी यास्मीना ना तो यू तम त्रय बांट लियो, ठीक है खाओ। बच्चों के साथ गुफ्तगू करने के बाद ना मैं यहाँ से देखता हूँ कहाँ तक, देखें नीचे ये जो है ना यहाँ तक मेरे को जाना है। एंड मैं जो केले लेके आया था बनानास, वो मैंने इनको ही दे दिए। देखिए यार कितना खूबसूरत एरिया है और पुरसकून एरिया है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको चाहिए कि यार आप ना यहाँ पे नाइट स्टे करें। देखें ये घोड़े वहाँ से बिल्कुल घूम के ना यहाँ से आ रहे हैं, तो एक लंबा सफ़र काट के आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग ना यहाँ पे कैंपिंग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग घोड़े से या किसी और चीज़ से आ रहे हैं और यहाँ पे गाड़ियों से आ रहे हैं और वन डे करते हैं। यहाँ पे नाइट स्टे के लिए भी आते हैं और नाइट स्टे भी यहाँ पे होती है। ये देखें देखें ये जो आप सामने देख रहे हैं ना ये मकान, ये देखें ये एक्चुअली मकान नहीं, बहुत बड़ा होटल है। एंड इसमें ना कर्मा मूवी की शूटिंग हुई थी इन 90 से पहले, 1970 में हुई होगी। और फुल शूटिंग ना यहीं पे शूट हुई है, अगर आप मूवी निकालें उसमें देखें सभी शॉट्स यहीं पे लिए गए हैं। मैं कोशिश करूँगा सामने फ़ोटो भी लगाने की उस मूवी के, एंड आप देख सकते हैं अनिल कपूर और बाकी उनके जो साथी थे को एक्टर्स, वो सभी इसी में स्टे भी करते थे और शूट भी इसी में हुआ था सबका। एंड यहाँ के भी कुछ शूट है और यहाँ के भी कुछ शूट है।
से निकलने के बाद मैं ना वहाँ के बस स्टैंड में रुक गया था, एंड बारिश बहुत ख़तरनाक हो रही थी और वहाँ पे ना मेरे साथ कुछ बुज़ुर्ग औरतें थी और उसकी वजह से मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाया, एंड बारिश भी लग चुकी थी और गाड़ी का इतना ज़्यादा वेट करने के बाद ना फिर गाड़ी आई, मुझे ड्राइवर के पास बैठना पड़ा, जो आपने वो शॉर्ट्स देखे बाकी सब रास्ते के वो सब ने ड्राइवर के पास थे। तो इसके साथ ही वीडियो मैं इख्तिताम करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ना पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर नए चैनल पे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया, और पेज को भी फॉलो कर लें, थैंक यू वेरी मच।